क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन करने से पहले पहले क्वेश्चन नहीं करने मैंने मना किया अभी। YDSC एक्सपेरिमेंट में छोटा डी और बड़ा डी का रेशियो गिवन है। एट अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट आई नॉट, कह रहे इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी भी आई नॉट है और रिजल्टेंट भी किसी पॉइंट पर आई नॉट ही है। तो कोई ऐसा पॉइंट है पी जहाँ पर इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी आई नॉट है और रिजल्टेंट भी आई नॉट है, तो आपको ये बताना है कि वो पॉइंट पी कितनी दूरी पे है सेंटर से, ये बताना है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये हुआ कि अगर आपके पास ये आपके पास दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट ही है और इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी कितनी है आई नॉट और आई नॉट ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 4i0 cos² 5/2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आई नॉट है, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, cos² 5 की वैल्यू, cos² 5/2 की वैल्यू हाफ, और 5 सॉल्व करके कितना आएगा 2π/3। यानी कि वो पॉइंट है जहाँ फेज डिफरेंस कितना है 2π/3। क्या स्टेप क्लियर है? पर आपको उस पी पॉइंट का कोई फेज डिफरेंस थोड़ी ना निकालना है। आपको ये थोड़ी ना कहा कि इस पॉइंट का मुझे फेज डिफरेंस बताओ कि कितना है 2π/3, ये तो मुझे कहा ही नहीं। मेरे को तो क्या कहा, एक्स बताओ कितना है। अच्छा ये बताओ, अगर फेज डिफरेंस 2π/3 है तो उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या होगा? ऐसे ना करें, पाई को रिप्लेस करें अपने मन में, कितना λ/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा λ/3। तो पाथ डिफरेंस वहां पर क्या होगा λ/3। तो पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना आ गया λ/3। और मैंने आपको ये बताया कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला xd/db होता है, ये बताया। अब ये पाथ डिफरेंस क्या पुट करेंगे λ/3। तो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, लैमडा की वैल्यू उसको देनी चाहिए थी, जो दी नहीं है लैमडा उसको देना चाहिए, d/d उसने दे दिया। अगर लैमडा सही गिवन होगा, d/d गिवन है, एक्स आ जाएगा। अब मेथड पे फोकस करें, क्वेश्चन को छोड़ें। समझ में आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन आया? पहले उसने एक पी पॉइंट की बात की जहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट है, वहाँ से हमने फाई निकाल लिया, फाई से हमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, पार्ट डिफरेंस को xd/d पुट किया, वहाँ से एक्स आया। तो यानी कि वो खेल किस में खेलेगा, फाई में, पार्ट डिफरेंस में और xd/d में। पाथ डिफरेंस से, पाथ डिफरेंस से वो कभी कभी एक्स पूछेगा, एक्स दे के कभी कभी पाथ डिफरेंस पूछेगा, इसलिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? ये देखो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर अ स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस दी वेवलेंथ। कह रहे काम करो, स्लिट सेपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा डी। कह रहे छोटा डी किसके इक्वल है, 2λ। तो अगर छोटा डी 2λ है, कह रहे एक्सपेरिमेंट करो YDSC स्क्रीन के ऊपर, मैक्सिमा मिनिमा बनाओ और काउंट करके बताओ कितने मैक्सिमा बने। आपको काउंट करके बताओ 10 मैक्सिमा 20 मैक्सिमा, वो कह रहे हैं हाँ काउंट करके बताओ, उससे ऊपर नहीं बनेंगे। तो अजीब क्वेश्चन है, काउंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब मैं तो सोचता था कि 100 मैक्सिमा भी आता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कोई लिमिट है मैक्सिमा की भी। तो कह रहे हैं अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो कितने मैक्सिमा आएंगे काउंट करके बताओ। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना, काउंट करके बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो पाथ डिफरेंस हमेशा d sin θ यूज़ करना, जब भी काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी ना कितने मैक्सिमा, तो पार्ट डिफरेंस हमेशा स्मॉल डी साइन थीटा वाला फॉर्मूला ही चलेगा। कैसे, मैक्सिमा काउंट करने है ना, तो मैक्सिमा की कंडीशन बोलो क्या है, n λ। तो d sin θ n λ, हालांकि मैं यहां पर पुट कर सकता था xd/d, वो नहीं करना, काउंटिंग में n λ क्या पुट करना है, d sin θ n λ। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रादर d की जगह क्या पुट करेंगे, 2λ, λ से λ कैंसिल, sin θ की वैल्यू क्या आएगी, n/2।
क्लियर है यहाँ तक? साइन थीटा एन बाई टू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वन। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? टू। अब एन की वैल्यू टू का मतलब है कितने मैक्सिमा दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर? कितने मैक्सिमा? दो, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमा। तो इसका मतलब एन की वैल्यू वन, इसका मतलब एन की वैल्यू टू, और एक सेंटर भी तो मैक्सिमा है, तो कितने हो गए? तीन। एक मैक्सिमा नीचे भी होगा, एक मैक्सिमा और, क्योंकि जो पैटर्न ऊपर बनता है वही पैटर्न नीचे, तो कुल मिला के कितने मैक्सिमा? पाँच। तो पाँच मैक्सिमा आंसर है। हाँ, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू एन बाई टू, साइन थीटा की मैक्सिमम रेंज क्या होती है? प्लस माइनस वन, ऊपर प्लस वन, नीचे माइनस वन। तो यहाँ से प्लस माइनस वन इज इक्वल टू एन बाई टू, तो एन क्या आएगा? प्लस माइनस टू। तो इसमें काउंट करने का चक्कर नहीं है, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू, तो कुल मिला के क्या हुआ? पाँच। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि पाँच मैक्सिमा आएंगे इसमें? तो सारी गेम किस पे डिपेंड करेगी? साइन थीटा के एन पे डिपेंड करेगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, यहीं से काउंटिंग हो पाएगी, नहीं तो काउंटिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो कब डी साइन थीटा यूज करना है, कब एक्स डी बाई डी यूज करना है, ये प्रैक्टिस है, और यही प्रैक्टिस है, और यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अभी और स्टाइल बताता हूँ पार्ट डिफरेंस कैसे कैसे यूज करने हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है 16th। ये क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है जिसके अंदर की व्हाइट लाइट को यूज किया जा रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है व्हाइट, वैसे व्हाइट यूज कर बोलता है व्हाइट है, होती है मोनोक्रोमेटिक है, क्योंकि व्हाइट लाइट से इंटरफेरेंस होती नहीं कभी भी। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज बी, तो जान के बिटवीन द स्लिट्स उसने कितना बोला? स्मॉल बी। स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है? छोटा डी। जबकि क्या होता है? बड़ा डी, बड़े डी को रिप्लेस करो छोटा डी, और फिर एक और कंडीशन है, छोटा डी इज वेरी मच ग्रेटर देन बड़ा डी। अब इससे बड़ा डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कंडीशन है ना, या तो कुछ नेग्लेक्शन की प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर बाइनोमियल लगेगी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, और तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे दो तीन क्वेश्चन किए, तो दो चीज़ें लगेंगी। क्या लगेगा बताते हैं। तो इसके अंदर सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, अंडरलाइन कर लो, वेवलेंथ मिसिंग का मतलब होता है मिनिमा। सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग का मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है? मिनिमा। कहां पर? एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। तो एक स्लिट के सामने क्या था? मिनिमा प्रेजेंट था। तो मतलब इस क्वेश्चन में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास दो स्लिट्स हैं, ठीक है, और दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है छोटे डी की जगह क्या लेना है? स्मॉल बी। तो ये देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास दो स्लिट्स हैं, ये आपके पास स्क्रीन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? छोटा बी। वो कितना है? छोटा बी, राइट। और ये रहा सेंटर सी। क्लियर है यहां तक? सेंटर सी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ये क्या है? पॉइंट पी, ठीक है। उसने कहा ये पॉइंट यहां नहीं लेना, उसने कहा कि कोई भी एक स्लिट ले लो। मान लो ये मैंने एक स्लिट ली S1, और ये स्लिट है S2, और ये B है, और ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d है। यहां पर क्या प्रेजेंट है P पॉइंट पर? मिनिमा। यहां पर क्या प्रेजेंट है? मिनिमा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वो कह रहा है कि एक स्लिट के सामने सम वेवलेंथ आर मिसिंग, सम वेवलेंथ मिसिंग का मतलब क्या प्रेजेंट है? मिनिमा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक बात बताओ, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा? एक वेव सीधी ये गई, एक वेव यहां से गई, तो ये बी, ये डी, तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बोलो पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। मिनिमा प्रेजेंट है, तो मिनिमा का मतलब ये कंडीशन क्या होगी? टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाय। समझ में आया क्या करना है आपको? तो पाथ डिफरेंस ना तो आप कहोगे सर आपने कहा था दो ही फॉर्मूले यूज होंगे पाथ डिफरेंस में, क्लियर है यहां तक?
और अपना तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। एक्सप्लेन मैंने ये कहा कि यहाँ पर दो स्लिट्स हैं ना, S1 S2, ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल बी है, तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से मैंने निकाल लिया, तो ये वेव और ये वेव में पाथ डिफरेंस क्या है, इन दोनों को माइनस कर लिया ये रहा। और उसने कहा कि सामने क्या आ रहा है, वेवलेंथ मिसिंग। वेवलेंथ मिसिंग का मतलब मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस 2n-1 × λ/2। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो बस ये कंडीशन बना ली। उसने क्या कहा, वेवलेंथ निकालो, क्या है, हो गया काम खत्म। क्या करना है इसमें, ये मैंने पाथ डिफरेंस निकाला माइनस करके, पता था ना कि ये गिवन होगी कंडीशन, तो कहीं ना कहीं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल लगेगी। बाइनोमियल में क्या करना है, डी स्क्वायर को बाहर निकाल लो। डी स्क्वायर का अंडर रूट क्या है, डी, तो क्या बनेगा, 1, और ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। और मैथ्स वालों को पता है कि अगर बी बहुत छोटा है डी से, तो बाइनोमियल कैसे लगती है, हाफ को इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये बाइनोमियल लग के ओपन किया, ओपन करके आपके पास आंसर आ गया b² / 2d। तो ये क्या आ गया, इसका पाथ डिफरेंस। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें बाइनोमियल वाला। हालांकि मैं आपको अगली शीट में बताऊंगा, सेम क्वेश्चन को किया जा सकता है बिना बाइनोमियल के। मेडिकल वाले वो यूज करेंगे, नॉन मेडिकल वाले कोई भी यूज कर लें, विद बाइनोमियल या विदाउट। तो एक बार विद बाइनोमियल, एक बार विदाउट। तो जो मेडिकल वाले हैं वो ये मेथड को फॉलो ना करें, मेरे हिसाब से फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनको छोटा मेथड करवाऊंगा, दोनों को करवाऊंगा, तो अब दोनों के लिए है। बट हाँ, ये भी एक तरीका है। तो पार्ट डिफरेंस आ गया, और ये पार्ट डिफरेंस क्या होगा, मिनिमा के लिए 2n-1 × λ/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैमडा निकालना है, लैमडा आ गया। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन ऐसा है, तो आपको ना हिट एंड ट्रायल करना है। एन की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर आ गया नहीं मिलेगा, फिर 2 पुट करो, आंसर आ गया तो टिक मार्क कर देना, 2 पे आएगा। ये अभी हिट नहीं आया तो 3 पुट करो, एन किसी पे तो आएगा, तो जो पहला आंसर आएगा वही लैम्ब्डा है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? वही करेंगे। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसका आसान तरीका भी है, आसान तरीका है क्या अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 17th आगे आने वाली असाइनमेंट में आएगा, तो अभी नहीं करवा रहा। आई थीटा वाला आज जाते हुए अगली असाइनमेंट में मैंने किया हुआ है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे।